बीजेपी ने 2019 का सियासी युद्ध जीत भी लिया और शपथ ग्रहण के बाद दोबारा मोदी सरकार सत्ता में भी आ गई। लेकिन इस सियासी युद्ध के दौरान पश्चिम बंगाल में ममता की टीएमसी और बीजेपी के बीच जय श्री राम के नारे को लेकर जो जंग जारी थी वो अब भी खत्म नहीं हुई है। जिस तरह से जय श्री राम बोलने वालों पर चिढ़ी ममता बनर्जी गाड़ी से उतरकर गिरफ्तार होने की धमकी देती हैं, उनका ये दबंग स्टाइल आजकल सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। यहां तक कि टिकटॉक पर वीडियो बनाकर ममता बनर्जी का मजाक उड़ाया जा रहा है। दरअसल पश्चिम बंगाल में जय श्री राम के नाम की मुहिम छेड़ने वाले दिल्ली बीजेपी के नेता तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा आजकल सीएम ममता को घेरने में जुटे हुए हैं। आए दिन ममता सरकार पर हमला बोलने वाले बग्गा ने अपने ट्विटर पर एक टिकटॉक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें कुछ बच्चे जय श्री राम बोलते दिख रहे हैं। इस वीडियो को पोस्ट करते हुए बग्गा ने लिखा है कि ममता बनर्जी कितनों को जेल भेजोगी, अब तो बंगाल का बच्चा बच्चा ये कह रहा है। इस वीडियो पर एक ट्विटर यूजर ने लिखा, पाजी मुझे तो लगता है कि इस देश में जेल की कमी ना पड़ जाए, देखिए कहीं ममता दीदी जेल कंस्ट्रक्शन ना शुरू कर दें। एक और ट्विटर यूजर ने लिखा है, बच्चे गांव गांव में टोली बनाकर और ममता बनर्जी का रूप धारण कर जय श्री राम का नाटक खेल रहे हैं, सच में एक जन आंदोलन बन चुका और इसकी जिम्मेदार ममता बनर्जी हैं। वहीं एक ट्विटर यूजर ने हनुमान जी की तस्वीर पोस्ट करते हुए ममता बनर्जी को नसीहत दी है कि ये आखिरी परिणाम है, अतीत से कुछ सीखिए। जब से पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने जय श्री राम बोलने वालों को जेल में डालना शुरू किया है, तभी से एक तरफ बीजेपी ने ममता और टीएमसी को निशाने पर लिया है तो वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर भी ममता बनर्जी का मजाक उड़ने लगा है। ममता और जय श्री राम के नारे वाले विवाद की शुरुआत चुनाव के दौरान पश्चिम मिदनापुर से हुई थी, जब चुनाव प्रचार के लिए जा रही ममता बनर्जी अचानक गाड़ी से उतरकर जय श्री राम का नारा लगाने वालों को धमकी देने लगी। कुछ दिन बाद नारे लगाने वालों की गिरफ्तारी भी हो गई। इसके बाद 30 मई को उत्तर 24 परगना जिले में भी ममता बनर्जी को जय श्री राम नारे का सामना करना पड़ा। इस बार भी भड़की ममता बनर्जी गाड़ी से उतरकर नारे लगाने वालों को धमकाने लगी। ठीक है। ठीक है। দিদি গাড়িতে হামলা চালিয়েছে দিদি আই শিবে সামনে আই 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 আই
গালাগালি দিচ্ছে দাঁড়িয়ে, তোমরা কি ভাবো এদের আমরা যত্ন করে রেখে দিচ্ছি? বাইরের আউটসাইডার, দে আর নট বেঙ্গল লোকাল পিপল। जय श्री राम का नारा लगाने वालों को जेल में डालने वाली ममता सरकार पर बीजेपी भी जोरदार पलटवार कर रही है। इन दिनों बीजेपी ममता बनर्जी को जय श्री राम लिखा पोस्टकार्ड भेजने की मुहिम में जुटी हुई है। अब तक चुनाव के 6 चरण समाप्त हो चुके हैं। देश भर में 6 के 6 चरण में कहीं पर हिंसा की कोई घटना नहीं हुई सिवाय बंगाल के। श्रीमती ममता बनर्जी का आरोप है कि हिंसा भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं ममता बनर्जी को एक बात बताना चाहता हूं कि आप सिर्फ 42 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी देश के हर राज्य में चुनाव लड़ रही है और हर राज्य में अलग अलग पार्टियों के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, स्थानीय दलों के खिलाफ हमारा मुकाबला है, मगर कहीं पर भी हिंसा नहीं होती है। और 6 के 6 चरण में बंगाल में हिंसा होती है, इसका मतलब ही होता है कि हिंसा का कारण तृणमूल कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी हिंसा करती तो हर राज्य में होनी चाहिए थी। और आप लोगों के टीवी मीडिया के फुटेज भी आप देख लीजिए, 6 के 6 चरण के कंपाइलेशन कर बंगाल की जनता को दिखाना चाहिए कि किस प्रकार से लोकतंत्र का गला बंगाल के अंदर घोटा जा रहा है। मैं कल की घटना की बात करूंगा। कल भारतीय जनता पार्टी का रोड शो था। रोड शो के पहले ही 3 घंटे पहले भारतीय जनता पार्टी ने जो पोस्टर बैनर्स लगाए थे उनको हटाने का कार्यक्रम रखा गया, अधिकृत रूप से रखा गया। पुलिस मुख्य दर्शक बनकर खड़ी रही, वहां पर संघर्ष कर हमारे कार्यकर्ता को उकसाने का प्रयास किया गया, मगर कुछ नहीं हुआ। प्रधानमंत्री के पोस्टर फाड़े गए, मेरे पोस्टर फाड़े गए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पोस्टर उखाड़े गए, फिर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शांति रखी। रोड शो चालू हुआ। रोड शो के अंदर जिस प्रकार का अभूतपूर्व जन समर्थन कोलकाता की जनता का मिला, वो आप इसके फुटेज देखकर जान सकते हो। कम से कम 2-2.5 लाख लोग 7 किलोमीटर लंबे रोड शो के अंदर फैले हुए थे, 1 इंच भी जगह खाली नहीं थी। वहां कोई हिंसा का वातावरण नहीं था। 2.5 घंटे तक बहुत अच्छे तरीके से रोड शो हुआ। हमला एक नहीं हुआ है, 1, 2, 3 हमले हुए हैं और तीसरे हमले में आगजनी, पथराव और बोतल के अंदर केरोसिन डालकर सुलगाकर डालने का घटना भी हुआ। सुबह से पूरे कलकत्ता के अंदर ये रूमर थी कि यूनिवर्सिटी के अंदर से कुछ लड़के आकर दंगा करेंगे। पुलिस ने ना किसी को अरेस्ट किया, ना वहां पर कोई सिक्योरिटी की व्यवस्था की, ना उनको रोकने का प्रयास किया। और जितने भी पथराव करने वाले लोग थे वो अंदर की ओर थे, हम लोग रिसीविंग एंड पर थे। मैं आपको कुछ फोटोग्राफ दिखाना चाहता हूं कि किस प्रकार का दृश्य बना था। आपको इसकी कॉपी भी दी जाएगी। ये फोटो है जो मेरे रोड शो पर पथराव किया गया, जिसमें सीआरपीएफ के बचाव करने के साधन से बचता हुआ मैं स्पष्ट दिख रहा हूं और नीचे आगजनी भी हो रही है। आप लोगों को इसके फोटोग्राफ सबको हम दे देंगे। दूसरा फोटोग्राफ है जो आरोप लगा रही है टीएमसी के ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के पुतले को तोड़ा गया। आप देख रहे हैं दंगे के बाद की ये तस्वीर है
जिसमें गेट इंटैक्ट है। हम तो रोड के बाहर थे, अगर गेट इंटैक्ट है तो अंदर जाकर किसने तोड़ा? अंदर से तो टीएमसी के लोग पथराव कर रहे थे, टीएमसी के लोग कैरोसिन बॉम्ब फेंक रहे थे, टीएमसी के लोग लाठी और सलिया लेकर बाहर आ रहे थे। गेट अगर टूटा नहीं है, गेट बंद है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की प्रतिमा जो कॉलेज के अंदर है, इसको कुछ ने तोड़ा? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अंदर थे ही नहीं, सारे के सारे बाहर थे, बीच में पुलिस थी, किसने तोड़ा? ये झूठे प्रकार की सिंपथी कलेक्ट करने के लिए ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं ने ही ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रतिमा को तोड़कर एक नाटक और एक षड्यंत्र रचने का काम किया है। ये तस्वीरें बहुत साफ कर रही, वीडियोग्राफी भी कई चैनलों के पास उपलब्ध है, और मेरा सभी प्रचार माध्यमों से निवेदन है कि अपने अपने फुटेज सार्वजनिक करें। गेट टूटा ही नहीं, भाजपा के कार्यकर्ता रोड पर थे, टीएमसी के कार्यकर्ता अंदर थे, प्रतिमा अंदर थी, कैसे तोड़ा गया प्रतिमा को? और तीसरी तस्वीर है जहां ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का प्रतिमा रखा था, इसकी तस्वीरें। ये दो कमरों के अंदर है, कोई बाहर सार्वजनिक रूप से नहीं लगा हुआ है। ये ट्रिब्यून अखबार का तस्वीर है, दो कमरों के अंदर ये प्रतिमा लगी हुई। अब मेरा सवाल इतना ही है, 7:30 बजे की घटना है, कॉलेज बंद हो चुकी थी, सारा लॉक हो गया था, ये किसने खोला कमरा? कमरे किसने खोले? किसके पास चाबी होती है? कॉलेज पर किसका प्रशासनिक कब्जा है? टीएमसी का है। वोट बैंक की राजनीति करने के लिए इतने लब्ध प्रतिष्ठ शिक्षा शास्त्री के पुतले को तोड़ना, मैं मानता हूं टीएमसी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी।